नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार चुकरी प्रहरी समायोजन के अल्टीमेटम देने प्रदेश गृह मंत्री सभाई काठमांडू पहुँचल मुख्य प्रसंग से। प्रहरी समायोजन साउन महीना भित्रे कर अल्टीमेटम देने प्रदेश गृह मंत्री सब शीर्ष नेता सब के दबाव देव काठमांडू में पहुँचल सैन। आई भिनसर एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के भेंट के ने सब गोटे किछे बेर में जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के सेहो भेंटघाट करवा कार्यक्रम रहल जानकारी दिलैथ। दिनक 4:30 बजे माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड के भेंट कर कार्यक्रम रहल तैयारी जानकारी सेहो देने छलनि। आइए प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा के सेहो भेटब। बालुआटार जाय प्रदेश मधेश प्रदेश के गृह मंत्री भरत प्रसाद शाह जानकारी देने छनि। प्रहरी समायोजन लगैत जनकपुर घोषणा संबंध में ध्यान आकर्षण कराब शीर्ष नेता सब के भेंट ने हुनकर कहब रहल अछि। 17 गते जनकपुर धाम में भेल प्रदेश गृह मंत्री सब के बैसार से साउन महीना भित्रे प्रहरी समायोजन क प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कर पड़ सहित 7 बूंदे जनकपुर घोषणा पत्र जारी कल गया छल। मधेश सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय संचालन के लिए लोक सेवा तैयारी कक्षा के नाम में अनियमितता भेल पायल गेल अछि। महालेखा परीक्षक सार्वजनिक के ने 4 प्रतिवेदन में आर्थिक वर्ष 2077-78 में मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश के 8 जिला में संचालन कल गए लोक सेवा तैयारी कक्षा में अनियमितता भेल पायल गेल अछि। लोक सेवा तैयारी कक्षा के लिए कार्यालय बोलपत्र मांग के विभिन्न संस्था छनौट कैत संगे इस संस्था संग 1 महीना 5 गते समझौता कल गया छल। इस संस्था पेश के ने आर्थिक प्रस्ताव में भौतिक रूप में कक्षा संचालन कर हॉल भाड़ा जेनरेटर भाड़ा खाजा खर्च तथा अन्य प्रकार खर्च सब समावेश कल गया प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। मुदा इस संस्था कोरोना महामारी के दोसर लहर के कारण 2078-76 गते से देशव्यापी लॉकडाउन भेलो पर ऑनलाइन कक्षा संचालन के ने समेत देखौलक अछि। ऑनलाइन कक्षा संचालन केला पर प्रशिक्षक भत्ता आ जनरेटर सॉफ्टवेयर खर्च मात्र भुगतान कर पड़ल। मुख्यमंत्री कार्यालय समझौता बमोजी में हॉल भाड़ा जनरेटर भाड़ा खाजा खर्च लगात के खर्च भुगतान केला से महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। कार्यालय के ने बेसी भुगतान 9,54,000 रुपया इहे संस्था से असूल ऊपर से हो महालेखा परीक्षक निर्देशन दिलक अछि। आइ साउन महीना के पहिल सोम दिन साउने सोमवारी व्रत आइ से शुरू भेल अछि। काठमांडू के पशुपति जनकपुर धाम के शिव मंदिर कपिलेश्वर महादेव मंदिर जलेश्वर के शिव मंदिर टुटेश्वर महादेव मंदिर लगात के मंदिर में भिनसरे से दर्शनार्थी सब के भीड़ लागल छल। ऐसे पहले 2 वर्ष के कोरोना के कारण पावन तिहार जेने साउनो सोमवारी से हो पशुपति लगात मंदिर सब बंद कल गया छल। अ वर्ष सब ठाव खुला के लोग कोरोना के जोखिम कायम रहला से भीड़ भाड़ में ख्याल कर संगे मास्क लगाव विज्ञ सब आग्रह करते हैं। साउन में हरियर पियर रंग के पहिरन चूड़ी आ मेहंदी लगाव फैशन से हो चलल अछि। खास आर्य समुदाय के महिला सब से शुरू भेल फैशन अखन सब समुदाय के महिला सब में समेत फैलल अछि। अ संगे श्रृंगार के सामग्री सब के व्यापार कर कॉस्मेटिक व्यवसायी सब के सेहो व्यापार अहि सब बढ़ल अछि। किछ वर्ष साउन महीना में विवाहित हो या अविवाहित महिला सब हाथ में हरियर आ मेहंदी लगाव संगे पैर में मेहंदी लगाव के परंपरा देखल गेल अछि। एहि के कारण से कॉस्मेटिक दोकान सब में व्यापार व्यवसाय बढ़ल अछि। संस्कृत विद सब के अनुसार साउन महीना के धर्म आ संस्कृत के पवित्र महीना के रूप में मानल जाइत अछि। सशस्त्र प्रहरी रौतहट से बड़का परिणाम में अवैध लागू औषध गांजा बरामद कैलक अछि। रौतहट के राजपुर नगरपालिका 26 स्थित बगैचा में पार्किंग क राखल गेल DL4CND लिखल 7229 नंबर के भारतीय स्कॉर्पियो से 1 क्विंटल 92 किलो 400 ग्राम गांजा प्रहरी बरामद कैलक अछि। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कैंप प्रहरी निरीक्षक विनय श्रेष्ठ के नेतृत्व में खटल प्रहरी के टोली रवि दिन राति 10 बजे विशेष सूचना के आधार में चेक जांच केने में यह परिणाम के गांजा बरामद कल गया। सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश के DIG गणेश ठरा मगर जानकारी देने से हर अनुसार स्कॉर्पियो में 13 प्लास्टिक के पोका में 14 किलो 800 ग्राम के दर से गांजा राखल गेल अछि। गांजा बरामद भेल घटना में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी दिलक अछि।
नेपाल में पिछला किछ दिन से कोरोना के संक्रमण बढ़ लागल है। एहि संगे पिछला 24 घंटा में थप 457 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 2341 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 386 गोटे आ 2310 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 71 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11954 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में थप 48 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,68,064 गोटे संक्रमित नीक भेल छन। अखन नेपाल में 1,776 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक के विषय में चर्चा कर आवश्यक नहीं रहल जिक्र केने छथि। सोम दिन सिंह दरबार में पत्रकार सब संग बातचीत करते सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक दोसर सभा में दर्ता भेला सब विधेयक संबंध में चर्चा केनाइ मुनासिब नहीं रहल जिक्र कलथि। ओ विभिन्न संसदीय समिति के सभापति पद रिक्त रहला से संबंध में अपन ध्यान आकर्षण भेल आ प्रधानमंत्री के साथे पार्टी के नेता सब संग छलफल अही विषय पर भ रहल जानकारी देने से ओ लेट भेलो पर उपसभामुख के निर्वाचन भेल संगे संसद के काज अखन प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ल हिंकर कहब सर। सभामुख सापकोटा अखन नागरिकता संघीय निजामती विधेयक के आगा बढ़ाव ध्यान केंद्रित रहल संगे आरो महत्वपूर्ण विधेयक आगा बढ़ाव पहल भ रहल जानकारी दिलन। सभामुख सापकोटा संघीय सरकार के मंत्री हेरफेर के कारण सदन सचिवालय में दर्ता भेल विधेयक ऊपर के छलफल आगा बढ़ाव किछ समस्या भेल तर्क कलथि। कर्मचारी निजामती कर्मचारी संबंधी विधेयक भाई अगड़ी बढ़ाने कोशिश कर अरुण अब महत्वपूर्ण न्यूट्रल विधेयक मैं राखने प्रयत्न कर कतिपय मंत्री फेरबदल भैर मखर आए सम्माननीय सभामुख थी मैं वहाँ मैं राखदी भन्न पर्ने वहाँ मैं आज हटाई दूर भूल तस्ता समस्या तब मैं अलग अना चालू अधिवेशन से 15 विधेयक पारित भेल संगे 5 समिति साथे विभिन्न संवैधानिक आयोग के प्रतिवेदन सदन में पेश रहल जानकारी देने छथि। निकपाय माले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली राज्य भयानक बिचौलिया के नियंत्रण में जाय लागल आरोप लगौलक अछि। काठमांडू में नेकपा एमाले के उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग आयोजना के कार्यक्रम में गेवाली राजनीतिक गठबंधन के आवरण में खतरनाक वित्तीय गठबंधन भ रहल आ ऐसे देश के भयावह अवस्था में ल जात जिक्र कलन। ओ वर्तमान सरकार के एक वर्ष देश के बर्बादी के वर्ष रहल तर्क कने छलथि। सरकार भ्रष्टाचार कालाबाजारी आ कमीशन तंत्र के संरक्षण कर रहल हिनकर कहब सल। तहिना गेवाली कालो धन के उजर बनाब प्रयास सब ऊपर गवर्नर के हमला भेल टिप्पणी केने छथि। गवर्नर के हटाव इससे पहले के प्रयास सफल नहीं भेलाक बाद अखन विवाद निकाल का काज भ रहल जानकारी दिलन। ओ सरकार के कारण अखन सबसे बड़का समस्या उपभोक्ता के भ रहल तर्क कलथि। नियन्त्रणमा जाने एउटा अत्यन्त खतरनाक स्थिति अहिले सृजना भएको छ। त्यसो भएर यो गर्छ मैले देशको लागि बर्बादीको सुशासनको अब अर्थतन्त्रका शोषकहरूको बारेमा तपाईँहरूले निरन्तर लेखिरहनु भएको अखन देश के प्रमुख आर्थिक सूचक सब देखल जाए तो देश और कष्टकर अवस्था में जाय लागल जिक्र से केने छलथि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा मृत कमैया कमलरिया हरवा चरवा आ हलिया श्रमिक रखने के कार्यवाही कर लेल निर्देशन देने छथि। कमैया मुक्ति घोषणा के 22 वर्ष पहुँचल अवसर में बालवाटार में सोम दिन आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देवा कोई गोटे कमैया हरवा चरवा वा बधुआ श्रमिक रख नहीं सक यदि कोई रखें तो हिंका कार्यवाही कर लेल निर्देशन देने छन। अहिना ओ कमैया श्रम निषेध के संबंधित इनके कड़ाई पूर्वक रूप में लागू करवाब लेल सेहो निर्देशन देने छन।
थरवा चढ़ुआ आ कमैया के कोनो अवशेष बाँकी रहलो पर दंडनीय होबे हिनकर कहब सल। प्रधानमंत्री देवा हरवा चढ़ुआ के सामाजिक आर्थिक उन्नति आ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर लेल विशेष लक्षित कार्यक्रम आनल जाए जिक्र कने से। मौलिक हक अन्तर्गत शोषण विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ। शोक अन्तर्गत तपाईँले कसैलाई पनि बेचबिखन गर्ने दास वा बाधा बनाउनु कसैलाई पनि हिन्दुको विरुद्ध काम लगाउन नचाहिने व्यवस्था छ। यसै गरी चार भाग चारमा राज्यका निर्देश सिद्धान्तको नीति अन्तर्गत भूमि व्यवस्था सहकार तथा गरीबी निवारण मंत्रालय अखन धरि 27,021 मुक्त कमैया परिवार के जमीन आ घर उपलब्ध कराने जानकारी दिलैथ। 5 वर्ष लग 12 वर्ष नीचा के धियापुता सबके आई से कोरोना विरुद्ध के दोसर मात्रा के खोप दिल गया है। पहल मात्रा फाइजर खोप लगेने 27 जिला के बाल बालिका के दोसर मात्रा देव लागल है। या साउन 8 गते धरि ऐसा पहले केंद्र रहर विद्यालय सबसे खोप देव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक है। दोसर मात्रा खोप लगाब गेल समय पहिने लेने खोप के कार्ड लग जाए मंत्रालय आग्रह कलक है। झापा इलाम मोरंग सुनसरी सप्तरी धनुषा पर्सा सिराहा महतरी काठमांडू ललितपुर भरतपुर काभ्रे चितवन सिंधली मकवानपुर कास्की नवलपरासी पूर्व नवलपरासी पश्चिम रूपंदेही बाकेदांग वर्दिया सुर्खेत कैलाली कंचनपुर आ डडेलधुरा के बाल बालिका के निःशुल्क खोप देल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। किछ दिन से लगातार घटल सोन के दाम आई बढ़ल है। सोन आई तोला के 400 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला के 94,000 रुपया में कारोबार भर रहा संगे आई चांदी के दाम से हो बढ़ल है। चांदी तोला के 15.5 रुपया से बढ़कर 1,065 रुपया में कारोबार भर रहा है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में आए राष्ट्रपति चयन के लेल निर्वाचन भ रहल अछि। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल यह 24 जुलाई में खत्म होब लगला से नया राष्ट्रपति चयन के लेल निर्वाचन होब लागल अछि। निर्वाचन के लेल भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मा के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनौलक अछि। मुर्मा झारखंड के पूर्व राज्यपाल समेत रहल सहित चुनाव जीतलन तो भारत के पहल आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनता संगे आदिवासी नेता मुर्मा के प्रतिस्पर्धा विपक्षी के दिस तो उम्मीदवार बनल यशवंत सिन्हा संग होब लागल है। सेना उपराष्ट्रपति के लिए विपक्षी कांग्रेस मार्गरेट अलवा के उपराष्ट्रपति पद में उम्मीदवारी बनौले संगे सत्तारूढ़ भाजपा जगदीप धनखड़ा के उम्मीदवार बनौलक अछि। राष्ट्रपति चयन के लेल एक सांसद के मतभार 7 सही होब संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। मतदाता अंतर्गत रहल व्यक्ति निलंबित भेल वा कारागार में सेंते हुनका सबके प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ मतदान कर पाबु व्यवस्था सेहो रहल अछि। राष्ट्रपति निर्वाचन के लेल 4,809 इलेक्ट्रोल मत रहल आ हिनका सबके कोनो राजनीतिक दल व्हिप जारी कर नहि सकत संगे एत के निर्वाचन आयोग जानकारी दिलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।